तो आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ द वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो जैसे कि आप लास्ट क्लास में बात हुई थी, हमने वीवीए क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग माइक्रो क्या रोल है, इन सबों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आप बात करेंगे वीवीए कोडिंग राइट कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो वीवीए कोडिंग लिखने के लिए, देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग नॉट ए वीवीए कोडिंग, किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग करने के लिए नितिन जी चार प्रोसेस होते हैं। पहला होता है एनालिसिस। एनालिसिस में हम प्रॉब्लम को समझते हैं, उसकी छोटा छोटा तरीका निकालते हैं कि कैसे होगा। फिर उसका होता है एल्गोरिथम। फिर उसकी हम लोग स्टेप तैयार करते हैं। फिर उसकी कोडिंग होती है। फिर टेस्टिंग होती है। और फिर अगर टेस्ट में प्रॉब्लम है तो फिर वापस हम उसको रिकोड करते हैं। जब फाइनली ओके हो जाता है तब उसको अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा किसी प्रोग्रामिंग लिखने का चरण है कि पहले प्रॉब्लम को समझो, उसके शॉर्टेस्ट तरीका निकालो, फिर उसकी एल्गोरिथम लेके स्टेप तैयार करो, फिर उसकी कोड करो, फिर उसको टेस्ट करो, देन अप्लाई करो। तो कैसे होता है तो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक यहां पर छोटा सा फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार करना है वीवी की कोडिंग की मदद से। हेलो, हाँ मनीष जी। सर कोई और भी है मीटिंग में क्या? हाँ नितिन जी है, उनकी क्लास है। यस सर, नाउ आई एम एबल टू लिसन एंड वॉच। ओके मनीष जी, ऑल्ट प्लस आर प्रेस कीजिए अपने सिस्टम पे और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। नितिन जी आप भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए प्लीज। क्या प्रेस करें? ऑल्ट प्लस आर। ऑल्ट प्लस आर, या सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा आपको, जो क्लास आपको रिकॉर्डिंग उसकी मिल जाएगी। ओके, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की पहली क्लास है जिसमें हम एक से एक क्लास पहले हमने फंडामेंटल्स के बारे में जाना है, अभी हम कोड कंसेप्ट और कोड के तरीके के बारे में जान रहे हैं। जी तो जैसे कि मतलब कि ये जो स्टेप होता है प्रोग्रामिंग का स्टेप होता है, जैसे मान लीजिए छोटा सा एक फॉर्मेट तैयार करना है, तो हमें समझ लिया फॉर्मेट हमने A1 से लेके C5 पर या 6 तक तैयार करना है, हमने उसको एनालाइज कर लिया और हमें पता चल गया कैसे बनाना है। अब मैं उसका छोटा से छोटा तरीका निकालता हूं। अब मतलब उसकी एल्गोरिथम तैयार करता हूं, तो मैं एल्गोरिथम लिखूंगा कि स्टार्ट। एल्गोरिथम मतलब होता है स्टेप, सिलेक्ट सिलेक्ट A1, enter name, select B1, enter role, select C1, enter marks, select A1 से लेके C6, अप्लाई बॉर्डर, सेलेक्ट वन से लेके अप्लाई बोल्ड, ये हमारा स्टेप हो गया। अब बोलोगे सर क्या हर माइक्रो बनाने से पहले इस तरह की चीजें लिखनी पड़ेगी? क्या आप डायरेक्ट कोडिंग नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स आप डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चन उठता है कि डायरेक्ट कोडिंग अगर आप करते हैं, समझ गए, डायरेक्ट आप कोडिंग करते हैं तो प्रॉब्लम आपका जो अपना माइक्रो है जिसपे आप डेली, आपका अपना फाइल है जिसपे आप डेली काम करते हैं, तो उसपे तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपका उसका पूरा स्टेप, हर एक चीज कैसे उसको अप्लाई करना है आपके दिमाग में है, तो आप कर लो। लेकिन क्या होता है सर कि अगर मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि भाई मेरे लिए रिपोर्ट बना दो, तो आपको इसके बारे में पता नहीं है कि हाँ माइक्रो स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, क्या करने, बिल्कुल आइडिया आपको नहीं है, तो उस केस में कैसे करेंगे? क्योंकि उस केस में अगर आपने ऐसा मतलब कि
यस सर कंटिन्यू। हाँ, अगर आपको उस केस में अगर नहीं पता है कि कैसे करना है तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत होगा कि आपका कोई स्टेप छूट जाएगा जी, ठीक है ना, कोई स्टेप आपका छूट जाएगा और बाद में दिक्कत होगी। इसलिए हम उसकी इसकी एल्गोरिथम तैयार करते हैं ताकि हमसे कोई स्टेप छूटे नहीं, समझे सर जी जी तो इसका स्टेप तैयार करने का पर्पस यही होता है। चलिए आगे बढ़े इसमें। यस सर। चलिए अब इसके बिहाफ पे चलिए कोडिंग करते हैं। तो हमने पहला एनालिसिस, दूसरा हमने एल्गोरिथम को पार कर लिया, तीसरा आता है कोडिंग। अब चलिए हम डेवलपर में जाएंगे और विजुअल बेसिक पे जाके एक नया मॉड्यूल यहाँ इसमें हम इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल। तो पहले से दो फाइल खुली हुई थी इसलिए मॉड्यूल था, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा मॉड्यूल हो ही। तो इंसर्ट किया हमने मॉड्यूल, अब इस मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लिखेंगे। यहाँ पे हमें मैक्रो डिक्लेयर किया, मैक्रो का नाम दिया और हम देंगे जैसे कि स्टार्ट मतलब डिक्लेरेशन सेलेक्ट A1 तो लिखेंगे रेंज A1.select जाता है एंटर एंटर द नेम क्या लिखेंगे सिलेक्शन, तो इसको देख के हम हमारी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो मतलब क्या होगा कि आप पहले किसी की प्रॉब्लम अगर आप देख रहे हैं तो पहले आप क्या करेंगे कि उस प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके सामने बैठ के उसका एल्गोरिथम तैयार करेंगे ताकि वो आपको गाइड करता रहे कि हाँ इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। जब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए तो फिर उसकी आप आराम से बैठ के कोडिंग करें। दूसरी चीज हो सकता है कि आपको हर किसी की कोडिंग पता ना हो, ये भी तो हो सकता है ना, तो आपको कोडिंग करते समय आपको ऐसा ना लगे कि यार इसका कोडिंग क्या होगा, आपको वही पे डायरी पे ही जहाँ पे आप एल्गोरिथम तैयार करोगे नोट पैड पे वही आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसकी कोड इसके बारे में नहीं पता है। तो आप उसी समय आप जो है क्या करेंगे, रिसर्च कर लेंगे। सुजीत सर इसमें एक चीज और पूछनी थी, मैं कंफ्यूज था। हाँ। ये आपके साइड में मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। हाँ। तो ये जैसे एक्सेल से कनेक्टेड होंगे तो इसमें ये कैसे, मतलब ये क्या दोनों ही मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 रन जब हम रन करेंगे तो क्या दोनों ही कनेक्टेड हो जाते हैं? इसके बारे में बताता हूँ, 2 मिनट जाइए। ओके borders dot line style equal to 1 range A1 से C1 ये हमारा macro बन गया dot bold font होगा, so font dot bold equal to true, ये हमारा macro बन गया। अब मैं इस macro को trigger करूंगा कहां से, macro से। मैंने आर को रन किया और आप देखिए कि हमारा मैक्रो तैयार हो गया, हमारा प्रॉब्लम सही हो गया। तो हमने कोड किया, टेस्ट किया, कोई एरर नहीं था, तो हमें रीकोड करने की जरूरत नहीं हुआ, हमने डायरेक्ट अप्लाई किया। अब क्वेश्चन आती है इसमें, आप ये समझ में आ गए एल्गोरिथम के बारे में, एल्गोरिथम का रोल समझ में आ गया कि बीबीए प्रोग्रामिंग में क्या है नितिन जी एंड मनीष जी। जी सर। अब चलिए हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लिखने से पहले क्या क्या चीजें चाहिए। देखिए ये जो हमारा विजुअल बेसिक है जिसपे प्रोग्राम कर रहे हैं, यहां से आता है डेवलपर टैब में आता है और डेवलपर टैब मुझे पता, आपको पता ही होगा कहां से लाना है, पता है जी, एक्सेल ऑप्शन में वहां से हमें ऑन करना है। तो ये विजुअल बेसिक ऑलरेडी होता है, कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, पहले समझ लीजिए। ये
एक्सेल का पार्ट होता है, अगर आप डेवलपर टैब नहीं भी लाते हैं फिर भी आप अल्ट एफ 11 प्रेस करेंगे तो आपको ये आपको विजुअल बेसिक एडिटर, इसको जो खुलता है इसको बोलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर, राइट। तो इसमें जैसे खुलेगा आपको जितनी शीट्स, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल नहीं होता, मॉड्यूल हम इंसर्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट होता है हमारा एक्स, मतलब कि यहाँ एक्सेल ऑब्जेक्ट जितने भी शीट्स है उस शीट्स के नाम, और लास्ट में हमारा होता है दिस वर्कबुक। अब बात आती है कि हम प्रोग्रामिंग करें तो कहाँ करें, हम शीट वन पे भी क्लिक करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं, क्यों? देखिए सबसे पहले बात कि प्रोग्रामिंग जो आप कोड लिखते हो कहीं ना कहीं सेम होता है ना सर, ऑब्जेक्ट उसको कंटेन करता है, तो अगर आपने सीट वन पे लिखा तो मतलब कि सीट वन की प्रॉपर्टी में हमारा वो कोड सेव होगा, राइट। तो उससे प्रॉब्लम होगी, पहली प्रॉब्लम होगी कि किसी ने सीट वन को डिलीट कर दिया तो मेरी कोडिंग चली जाएगी, यस। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि दूसरे शीट दूसरे फाइल से रेफरेंस में दिक्कत करेगा, उसकी कोडिंग करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम कोडिंग करने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे इंसर्ट मॉड्यूल्स को, तो मॉड्यूल्स के अंदर में मॉड्यूल्स 1, 2 जो अभी जितना ऐड करेंगे वो हम करते हैं। तो मॉड्यूल्स 1 जो ऐड हुआ वो हमारे जो बुक 1 बुक 2 जो हमारी फाइल है इस फाइल की प्रॉपर्टी में सेव हो गया, और जहां जहां यह फाइल मूव करेगा वहां वहां हम उस जगह पे हमारे मैक्रो इस फाइल के साथ ही जाएगा, तो ये पब्लिक मैक्रो में बनेगा, समझ गए सर? यस सर। तो मॉड्यूल्स में हम क्यों मैक्रो कोडिंग करते हैं समझ में आ गया आपको? जी सर, क्योंकि इसकी कोडिंग इसकी प्रॉपर्टी के अंदर में सेव हो पहली, दूसरी हम किसी भी सीट या किसी भी फाइल के साथ रेफरेंस ले सके, और तीसरी इस मॉड्यूल्स को इजीली एक्सपोर्ट किया जा सके। जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास फाइल 1 है उसमें आपने 100 फॉर्मूले बना रखे हैं, अब दूसरी किसी सिस्टम पे आपके कलीग ने बोला कि आपके बनाए सारे फॉर्मूले मुझे दे दीजिए, बट आपने जो फॉर्मूला बनाया हुआ है एक पर्टिकुलर डेटा या रिपोर्ट फाइल में बनाया हुआ है, आप पूरी की पूरी फाइल तो आप नहीं भेजोगे ना जी, नहीं, और सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करके नहीं भेजोगे, क्योंकि कोड में ऐसा हो सकता है कि एक कोड दूसरे रिलेटेड हो तो उसको दिक्कत हो सकता है, तो हम लोग क्या करता है डायरेक्ट मॉड्यूल को ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स का करना है तो हम मॉड्यूल्स को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ देखिए आपको, या किसी मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर सकते हैं, राइट? Yes. फीचर से इसलिए मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं जब मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, अब मॉड्यूल का नाम चेंज भी किया जा सकता है, ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए सर मैं लिख दूं टेस्ट, या प्रॉपर्टी बार में हम इसको टेस्ट लिख देंगे तो अब एक टेस्ट हो गया, मॉड्यूल नहीं रहा, 1 नहीं रहेगा, टेस्ट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो, कि हम मैक्रो फाइल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट आरआर हम लिए, और हम अब देखिए सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं पब्लिक सब और माइक्रो का कोई भी नाम, ब्रैकेट ओपन क्लोज, आपका माइक्रो क्रिएट हो जाएगा, तो आप लिख के भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर इंसर्ट में आपके पास होता है प्रोसीजर, प्रोसीजर में आप यहाँ लिख दीजिए कि मुझे मान लीजिए कि UDF करना है, और हमें क्या करना है, हमें फंक्शन लेना है, सब्जेक्ट माइक्रो डिफाइन करना है या फॉर्मूला डिफाइन करना है, स्कोप हमारा पब्लिक है या प्राइवेट है, ठीक है, जो सिलेक्ट करोगे उसी हिसाब से आपके यहाँ डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मैनुअल लिखते हो तो पब्लिक सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सब लिख सकते हो,
और माइक्रो नेम जब भी आप देते हैं तो माइक्रो नेम देते समय ध्यान रखिएगा कि आपके माइक्रो नेम के अंदर में किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि स्पेस, डॉट, डैश, कॉमा, ऐसा चीज। हाँ, अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं, अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं, या फिर ऑलरेडी बनी हुई माइक्रोस के नेम आप नहीं दे सकते हैं। तीसरा, आप थ्री कैरेक्टर एंड डिजिट्स को एक साथ लिख सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट राज वन। अब नितिन जी बताएंगे राज वन माइक्रो क्यों गलत है? सर श्योर नहीं क्यों गलत है ये राज वन। मैंने देखिए रूल कहता है कि थ्री अल्फाबेटिक और नंबर्स को आप जो है माइक्रो नेम नहीं दे सकते, वरना वो रन ही नहीं हो पाएगा। अब क्यों नहीं रन हो पाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने माइक्रो पे क्लिक किया और जैसे ही मैं राज वन पे जाता हूँ तो यहाँ रन का ऑप्शन हट जाता है। अब इस पे करता हूं तो रन आ जाता है। क्यों? क्योंकि राज वन नाम का रेफरेंस है। देखिए राज एन वन, समझे? रेफरेंस मतलब सर राज वन नाम का रेफरेंस है, सेल एड्रेस है। ओके नहीं दिख रहा राज, याद देखिए राज वन दिख रहा है ना आपको? हाँ 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 यस 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 यस। जो है वो एक्स एफ डी तक चला गया है। तो थ्री कैरेक्टर एनुमेरिक को लिखना आप अवॉइड करो, ठीक है? अब दूसरी कोई बात आती है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोग्रामिंग किया इसमें, तो हमने रेंज लिया, सिलेक्शन लिया। हाउ कैन डिफाइन कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे रेंज ही आएगा या सिलेक्शन आएगा, या कहीं पे सीट्स देखते हो, कहीं पे वर्कबुक देखते हो, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, तो आपके इसमें एक्सेल में वीवीए में चार मेन ऑब्जेक्ट है, एप्लीकेशन, वर्क, बुक्स, शेप्स एंड रेंज। जैसे कि आप इंग्लिश सीखने गए थे तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया गया था, और पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस मोस्टली नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है, पढ़े थे सर? उसी तरह से हमारे मोस्टली कोड इन चार में से किसी एक के साथ शुरू होता है, और इसके इसके सब ऑब्जेक्ट भी है। जैसे कि अगर आपको वर्कबुक्स हो गया तो यहाँ पे आपके साथ एक्टिव वर्कबुक भी हो सकता है, दोनों बहुत और सेम है लेकिन सिचुएशन अलग अलग हो जाती है। उसने सीट से आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास हो सीट्स है, तो यहाँ पे हो सकता है एक्टिव वर्क शीट। और फिर रेंज है तो रेंज के जगह पे आपके साथ हो सकता है सेल, हो सकता है एक्टिव सेल, हो सकता है सिलेक्शन। ये चार में से कोई हो सकता है, ये चारों एक ही है, अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है? जैसे एक के प्राइवेसी वर्ड होते हैं ना, जैसे आपके दो नाम है तो एक नाम आपका घर का, एक नाम आपका स्कूल है, तो घर का नाम घर के लोग जानने वाले रिश्तेदार वगैरह लेंगे, स्कूल का नाम आपके स्कूल फ्रेंड्स लेंगे, ऑफिस के स्टाफ वगैरह लेंगे, क्या जो आपके जो डॉक्यूमेंट नेम है। तो उसी तरह से ये भी उसी तरह से फॉर्म होता है। तो अब डिफाइन किसमें हमें कैसे पता चलेगा कि रेंज लेना है या क्या लेना है, तो वो आपका एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे एक छोटा सा हम एल्गोरिथम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट, इसमें मैं सबको मैं ये कर देता हूँ, लेट कर देता हूँ, इसे सिंगल कोट लगा देने से वो कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक है कि हमने बोला कि क्रिएट ए न्यू फाइल सेव एज
123.xls in d/19, ठीक है, एड न्यू सीट, रीनेम सीट एज ए मंथ, सेलेक्ट मंथ, एंटर डेट। ये हमारा आयोजन एक फाइल क्रिएट कर दी है, सॉरी एक फाइल क्रिएट करनी है, उस फाइल को हमें सेव करना है 123.xls डी ड्राइव में 2019 नाम के फोल्डर में, फिर उस फाइल के अंदर एक नई सीट को ऐड करना है, उस सीट को रिनेम करना है मंथ के नाम से, और फिर उसी सीट के A1 पे जाके सिस्टम वहां पे डेट एंटर करना है, समझ गए। अब यहां पे क्रिएटेड न्यू वर्कबुक, तो इस क्रिएटेड न्यू वर्कबुक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर आपके पास कोई वर्कबुक को इफेक्ट करने वाली लाइन आती है, अब देखिए एक कोड क्या है, मतलब इसको आप लैंग्वेज की तरह सीखिए, ये आपकी कम्युनिकेशन स्टेप है, जैसे आपने इंग्लिश सीखते समय ट्रांसलेटर सीखा था, ट्रांसलेशन सीखा था हिंदी टू इंग्लिश, याद है सर नितिन जी? जी सर, ट्रांसलेशन था ना, हिंदी के वर्ड थे उसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। यस यस मनीष जी, आपने किया था? तो उसी तरह से ये हमारे अपने इंग्लिश वर्ड है, इसको वीवीए में कन्वर्ट करना, मतलब कि मुझे ये आदेश देना है एक्सेल को कि भाई ये काम इस काम को करना है, लेकिन मुझे आदेश देना है वो भी किसमें, वीवीए लैंग्वेज, न कि इंग्लिश में, ठीक है। तो वीवीए लैंग्वेज कहती है कि कोई भी ऐसा आदेश, एक ऐसा काम या ऐसा लाइन ऑफ कोड अगर किसी पर्टिकुलर फाइल को इफेक्ट कर रही है, तो वो वर्कबुक या एक्टिव वर्कबुक से स्टार्ट हो, राइट। तो यहां पे लिखेंगे workbooks.add, क्योंकि नई वर्कबुक ऐड कर रहे हैं। अब दूसरा लाइन ऑफ कोड करता है कि सेव एज, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वर्कबुक को सेव करने का कोड होता है कि workbooks, और यहां पे बुक का नाम कि बुक 1.xlsx.saveAs और डी ड्राइव में 2019 के अंदर 123.xlsx इसमें। अब बट अच्छा, हाँ दिक्कत हो गया, हाँ दो इसके, अच्छा यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो वर्कबुक हमारी ऐड होती है ना, वो वर्कबुक हमेशा बुक वन हो ऐसी जरूरत तो नहीं है ना, वो बुक टू थ्री बुक फाइव कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें इसका दूसरा पार्ट एक्टिव वर्क बुक लेना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कोई नई फाइल, हमने कंट्रोल एम किया, एक नई फाइल खुली, ये आपका बुक थ्री खुला, तो बुक थ्री ही एक्टिवेट है क्या, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक्टिव वर्क बुक्स डॉट सेव एज, और फिर यहां पर हम पाथ दे देंगे कि डी ड्राइव में, तो आपको उसमें से कौन सा वर्ड लेना है, मतलब कि जैसे नाम आपका है, तो घर के बंदे आपको अगर मतलब कोई आपको अगर एक्सेलेंस एक्स अगर आपको घर के नाम से पुकारता है, इसका मतलब है कोई आपके फैमिली मेंबर है क्या, अगर आपका बिट्टू नाम है और आपका विकास नेम नाम है, अगर आपने किसी ने आपको बिट्टू को आवाज दिया, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ अब आपका कोई घरेलू रिश्तेदार है। उसी तरीके से अगर एक्टिव वर्कबुक हम तब लगाएंगे जब हमारा
फाइल का नेम पता ना हो लेकिन इतना पता हो कि मेरा फाइल एक्टिवेट है। अब बोलिए आप क्या बोल रहे थे सर? ये अगर आपने ये तो सेव करे डी ड्राइव पे, अगर ये डेस्कटॉप पे करना चाहे देन जहां भी करना है उसका पास देना पड़ेगा ना आपको यहाँ पे। नहीं ये वो आपका डेस्कटॉप का फिर क्या पाथ होगा सर? डी डी हटा के डेस्कटॉप का पाथ आपको पता नहीं है क्या होता है? नहीं बस हाँ नहीं सर नहीं पता। डेस्कटॉप का पाथ देखिए वो ओके समझ गए। हम्म, ये आपका सी ड्राइव यूजर, आपकी लॉगिन लॉगिंग जो आपका लॉगिन आईडी है वो आपके डेस्कटॉप, डेस्कटॉप आप पर फाइल की प्रॉपर्टी में चले जाइए वहां मिल जाएगा। ठीक है ओके सर। तो यहां पे ये लिख दिया हमने। अब इसमें अगला एल्गोरिथम कहता है, अब मान लीजिए एल्गोरिथम कुछ इस तरह से होता कि क्रिएट न्यू फाइल एज ए 123 xls in D drive 2019। पता है सर अगर ऐसा होता तो मैं क्या कोड करता, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देता डॉट सेव एज और यहां पे हम पाथ लेते हैं जो भी पाथ है हमारा। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। तो ये वो आपका अपना दिमाग यूज करना है और उसका इस्तेमाल आपको करना है, समझ गए। अब इसी तरह से इसमें हुआ इंसर्ट द न्यू शीट, तो आप यहां पे लिखेंगे शीट्स डॉट एड और शीट को रिनेम करता है तो यहां भी आपको लिखना है एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू मंथ। ठीक है, अगर आपको पता है कि नहीं सीट मंथ नाम का सीट ही ऐड करनी है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप नेम लिख सकते हैं नेम इक्वल टू मंथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अब बात आती है कि रेंज ए वन पे डेट डालना है तो रेंज ए वन डॉट नेम वैल्यू इज इक्वल टू हमने डाल दिया डेट, समझ गए। तो हमने अपना ऑब्जेक्ट चूज किया किसके बिहाफ पे, हमने चूज किया अपने एल्गोरिथम के बिहाफ पे, क्लियर है सर? सर इसमें एक क्वेरी और थी, हाँ ये एक बार आप उस पे जाना सर ऑल्ट 11। अच्छा देखो आपने मंथ के लिए तो वो लिया इन्वर्टेड कोमा और इसके लिए डेट के लिए नहीं लिया, क्या डिफरेंस है? ये डेट फॉर्मूला होगा वो सिस्टम का डेट उस पे रखेगा, डेट नहीं लिखेगा सिस्टम का डेट। ओके ओके ठीक है ओके सर। एक क्वेरी मेरा भी, हाँ जैसे आप एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज डाले और हम लोकेशन और उसका फाइल नेम डाले तो एक्टिव वर्कबुक जिस वर्कबुक में हम कोड कर रहे हैं तो उसके अंदर जो इंसर्टेड मॉड्यूल है उस मॉड्यूल उस वो एक्सेल फाइल भी तो एक्टिव है ना, और दूसरा जो हम ऐड कर रहे हैं जोड़ी नहीं है वर्कबुक डॉट एड दो भी वो भी एक्टिव है तो ये किसको रिनेम करेगा? वो आपकी स्क्रीन पे होगा वो एक्टिव है ना, जरूरी नहीं कि जिस फाइल में मैप हो वो एक्टिव हो। जो जैसे हम वर्कबुक डॉट ऐड डाले तो वो नया फाइल क्रिएट करेगा, हाँ तो नया फाइल ही एक्टिव होगा, वो नया फाइल एक्टिव होगा। हाँ ओके, देखिए बीवीए प्रोग्रामिंग उसी तरह से फॉलो करता है जैसे आप मैनुअल काम करते हो, बस आपसे वो 1000 टाइम फास्ट करता है। या आई अंडरस्टैंड, और प्रोसीजर सबको ही होता है जो आप मैनुअल करते हो। जी बिल्कुल, तो जब आप मैनुअल ऐड करते हो तो आपकी एक्टिव शीट एक्टिव फाइल आपको कौन होती है जो आपका एक्टिव ऐड होता है, तो कोडिंग के साथ भी यही होगा। और कोई डाउट है?
नो नो नो, तो आप आगे सीखने से पहले आपको एल्गोरिदम पे ध्यान देना होगा। एल्गोरिदम बना, अगर आप कुछ 5-7 एल्गोरिदम बनाते हैं नितिन जी, तो क्या होगा आपको समझने में, एआई स्टेप समझने में आएगा, क्योंकि स्टेप जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपने सेव पहले कर, सेव करने का कोड पहले लिख दिया और ऐड करने का कोड बाद में लिखा, तो दिक्कत हो जाएगा ना फिर। जी सर। तो आप जो है मुझे अपने, आप ऑफिस में रिपोर्ट तो बनाते ही होंगे। जी बिल्कुल। तो मुझे अपने ऑफिस में रिपोर्ट, जो रिपोर्ट बनाते हैं उसके तकरीबन 4 या 5 फाइलों का एल्गोरिथम वर्ड पैड पे या फिर पेन पेंसिल से लिख के आप फोटो खींच के मुझे भेज दे, मुझे समझना चाहता हूँ कि एल्गोरिथम आपका कंप्लीट हुआ, क्योंकि एल्गोरिथम जितना अच्छा बनेगा आपके प्रोग्रामिंग उतनी अच्छी होगी और आपके आपके प्रोग्रामिंग में करेक्शन भी उतना ही कम होगा। जी सर। ठीक है जी। तो मुझे एक चीज करके दीजिए, फिर हम कल की क्लास में आपके साथ वर्कबुक पे और शीट्स पे होने वाले इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है। ओके ओके, बाय, सी यू टुमारो। बाय बाय।